वी गोना स्टार्ट अप टुडे विद द डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है, और वी विल डू सम पास्ट पेपर्स एज वेल. सही, आज लेंसेज इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा. उसके बाद फिर ये है कि साउंड और फिर थर्मल पे चले जाएंगे. आप में से कुछ बच्चों ने तो शुरू के अंदर मेरी थर्मल वाली क्लासेस भी अटेंड की थी, तो कुछ को थोड़ा बहुत आइडिया होगा थर्मल में क्या है. लेकिन ये है कि पढ़ाना तो बिल्कुल बेसिक्स है. अच्छा, हाँ, मैंने एप्लीकेशंस का बताया था, मैंने बोला था कि वर्किंग होगा. एक मिनट रुकिएगा बेटा. चलो अपोलॉजीज. तो अच्छा, कैमरे और उसके लिए मैंने बोला था कि इसको देख लेना, इसकी एप्लीकेशंस को, कि किस तरह से चल रहे होते हैं. ये डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है सारा. इसमें ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट और इमेज की फॉर्मेशन जो है वो बताई जा रही है, कि लाइट ऑब्जेक्ट से निकल के इमेज तक किस किस तरीके से पहुँचती है. तो हमारे पास कैमरा के अंदर भी एक कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है, जो कि आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकते हो, ताकि आप इमेज की फॉर्मेशन को सही कर सको. आप कैमरे को ये कह लो कि जिसका लेंस है, इमेज फोकस करने के लिए फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करते हो, ताकि जो आपके पास ये कैमरे की रील लगी हुई है ना, लाइट रेज उसके ऊपर आके फोकस हो सके. या तो ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करने की सजेशन दी जाती है, या फिर कैमरे के लेंस को आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करते हो, ताकि इमेज को फोकस किया जा सके. अभी भी देखो, उसने ऑब्जेक्ट में से तीन लाइट रेज निकलवाई थी. सही, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक फोकस से पास होती हुई, और एक लाइट रे जो है वो फोकल ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती थी. और इन तीनों की कन्वर्जेंस जो है वो उसने दिखाई थी, कि किस तरीके से आपके पास कैमरे के अंदर जो रील लगी हुई है उसमें कन्वर्जेंस के वक्त हो रही है. तो आप देख सकते हो कि वहां पर रियल इमेज बनी है, इन्वर्टेड इमेज बनी है, और स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज. सही, आपके एक्चुअल साइज से कंपेरेटिवली एक स्मॉलर इमेज जो है वो प्रोड्यूस होकर सामने आई हुई है. तो यही चीज कह रहे हो कि आपके पास एक कैमरे की वर्किंग के अंदर थोड़ी सी उसमें आ रही होती है. अच्छा, फिर इसी तरह से प्रोजेक्टर वगैरह का भी काम होता है. प्रोजेक्टर और फोटोग्राफ एनलार्जर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरीके से वर्क कर रहे होते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से इसकी डिजाइनिंग पूरी हुई भी है. अच्छा, बीच में ये कंडेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं, इनके ऊपर खैर इतने ध्यान देने की जरूरत नहीं है. अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, ये कह लो कि असल वाले जो आपके प्रोजेक्टर्स होते हैं ना, ये उनके लिए यूज हो रहे होते हैं, कि जो लाइट बहुत ज्यादा स्पार्कल जनरेट करने का काम कर रही होती है ना, या साइडों के अंदर ग्लेयर प्रोड्यूस करने का काम करती है, कि उस लाइट को खत्म करने के लिए कंडेंसर्स वगैरह लगाए जाते हैं. तो उसमें दिखा रहे हैं कि भाई एक लाइट सोर्स रखी हुई है, आपके पास कॉनकेव मिरर है. सही है, लाइट को जो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, उसको आपने दो लेंसेज की मदद से कन्वर्ज किया पहले तो थोड़ा, फिर स्लाइड में से पास करा के आप अपने सामने एक कॉन्वेक्स मिरर रखते हो, जो लाइट रे को मुख्तलिफ लोकेशंस पे जाके कन्वर्ज कर देती है. बॉटम से निकलने वाली लाइट रेस टॉप पे जाके देखो कन्वर्ज हो रही है, और टॉप से निकलने वाली लाइट रेज जो है वो बॉटम में जाके कन्वर्ज हो रही है. तो जो इमेज बन रही होती है वो एक इन्वर्टेड इमेज बन के सामने आ रही होती है आपके पास. कि अगर स्लाइड पे कोई बंदा ऐसा है मौजूद खड़ा हुआ, जिसकी इमेज बन रही होगी वो इस तरह से इन्वर्टेड इमेज बन के सामने आ रही होगी. इसीलिए ओवरहेड प्रोजेक्टर्स के अंदर जब भी आप कभी कह लो कि स्लाइड्स वगैरह प्लेस करते हो, तो उसे उल्टा रखते हो. आप उसे उल्टा रखोगे तो वो आपके पास सीधी बन के सामने आएगी, अगर आप उसे सीधा रख दोगे तो वो आपके पास उल्टी बन के सामने आएगी. तो ये उस वक्त चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखा जाता है. लेकिन खैर, इनकी डायग्राम्स या इनकी वर्किंग स्पेसिफिकली नहीं आती कभी आपके पास, कि आपको बोल दिया जाए कि भाई पूरा प्रोजेक्टर डिफाइन करें, रे डायग्राम बनाए उस, यानी उसकी, या सेटअप बना के दिखाएं. दे डोंट आस्क यू फॉर दैट. द रीजन बीइंग दैट इट्स नॉट लाइक दैट सिंपल. बस इसका ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ यूज हो रहा होता है, उसका थोड़ा सा अगर जनरल इन्फॉर्मेशन बंदे के पास हो ना, उससे ड्राइंग वगैरह करना आसान हो जाए. और इसी तरह से यही पूरा प्रोसीजर फोटोग्राफ एनलार्जर के लिए भी हो, वो भी एक प्रोजेक्टर की तरह ही काम कर रहा होता है. बस अब स्लाइड की जगह आपके पास फोटोग्राफ्स वगैरह होते हैं, जिसको मैं एनलार्ज करके प्रिंट प्रोजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा हूँ.
अच्छा, अब अगर हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन के ऊपर जाएं तो हमारे पास वैसे तो डिफेक्ट्स इन विजन काफी डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, लेकिन दो हमारे पास इस वक्त कहोगे सिलेबस के अंदर मौजूद है जो कि लेंस से ऊपर ज्यादा फोकस्ड होते हैं। उसमें एक आपके पास शॉर्ट साइटेडनेस है और एक लॉन्ग साइटेडनेस है। शॉर्ट साइटेडनेस, अब देखो इसका ये सबसे बड़ा मसला अक्सर बच्चों को होता है कि शॉर्ट साइटेडनेस में बंदा करीब की चीज सही देख पाता है या दूर की चीज सही देख पाता है ना। देखो अगर मैं आपसे पूछूं हु इज अ फार साइटेड पर्सन, शॉर्ट और लॉन्ग से ताल्लुक नहीं है इसका, ये जनरल वर्ड है, हु इज अ फार साइटेड पर्सन, क्या कहोगे? एक फार साइटेड पर्सन कौन होता है? चाहो तो उर्दू में बता देना, जरूरी नहीं है मैं इंग्लिश के अंदर पूछूं। और इसका फिजिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, यह भी बता रहा हूं। नहीं मेरे बच्चे, फार साइडेड पर्सन का दूर फिजिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जनरल इंग्लिश का वर्ड है। यार ही इज अ फार साइडेड पर्सन। किसी को भी कोई आइडिया नहीं है फार साइडेड पर्सन का, किसे बोला जाता है तारीफ के तौर पर बोला जाता ही है किसी को, ही इज वेरी फार साइडेड। हाँ भाई, किसी को भी अंदाजा नहीं हो रहा फार साइडेड पर्सन कौन होता है। इसका फिजिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, फार साइडेड पर्सन वो होता है जो दूर की सोचता है, इंग्लिश में उसे बोलते हैं फार साइडेड, दूर अंदेश। एग्जैक्टली गानिया, उर्दू के अंदर अगर हम बोले तो फार साइटेड पर्सन वो होता है जो दूर अंदेश होता है, जो दूर की सोच सकता है। तो ये तारीफन किसी को कहा जाता है कि भाई यार ये इज क्वाइट फार साइटेड पर्सन, बहुत दूर की सोचता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा ना करो। तो इसी तरह ए फार साइटेड पर्सन इज वन जो दूर की सोच सकता है, तो अ लॉन्ग साइटेड पर्सन इज वन जो दूर की चीज देख सकता है, एंड अ शॉर्ट साइडेड पर्सन इज वन जो करीब की चीज देख सकता है। जैसे फार साइडेड वो होता है जो दूर की सोच सकता था, सही, ही इज अ फार साइडेड। तो जो लॉन्ग साइडेड है वो दूर की चीज देख सकता है, और जो शॉर्ट साइडेड है वो करीब की चीज देख सकता है। तो मैं इसको पहले उर्दू में लिख सकता हूँ, शॉर्ट साइडेड का मतलब करीब की चीज देख सकता है। इसको मैं रोमन में लिखूंगा, मेरी उर्दू बड़ी खराब है। करीब की चीज देख सकता है, सही। और दूसरा लॉन्ग साइडेड जो दूर की चीज देख सकता है, अजीब से लग रहा है मुझे इंग्लिश लिखते हुए इस तरह से रोमन के अंदर, मतलब मैसेजेस में तो चलता था। तो ये दोनों बातों में फर्क हमेशा रखना। तो अब इसको अंग्रेजी के अंदर प्रॉपर तरीके से लिख देते कि शॉर्ट साइडेड और लॉन्ग साइडेड क्या होता है। तो शॉर्ट साइडेड पर्सन इज वन द पर्सन हु कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स clearly, but distant objects are blur. सही, एक ऐसा शख्स जो करीब की चीजें सही से देख सकता है लेकिन जो दूर की चीज है वो उसके लिए ब्लर होती है। जैसे हम, मेरे ख्याल से तो हम में से जिसने भी ग्लासेस पहने हुए अभी, तो हम सब जो है वो शॉर्ट साइडेड ही है, हमें करीब की चीजें फिर मुनासिब दिखती है, हमारी दूर की नजर खराब होती है। तो वी आर शॉर्ट साइडेड पर्सन, वी कैन सी
the near objects clearly, but distant objects for us are actually blur. इसको करेक्ट करने का क्या तरीका है? इसको करेक्ट करने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मसला क्या होता है शॉर्ट साइटेड के केस में. देखो शॉर्ट साइटेड के केस में प्रॉब्लम ये आती है कि जो लाइट रेज आपकी आई में एंटर हो रही होती है याद रखने का भी तरीका है कि लाइट रेज कन्वर्ज एट शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस. इन शॉर्ट साइडेडनेस लाइट रेज कन्वर्ज एट शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस. सही, शॉर्ट से शॉर्ट याद रखो. तो मसला ये कि हमारा लेंस को ज्यादा ही कन्वर्ट कर रहा होता है लाइट रेज को. सही, रेटिना पे पहुंचने से पहले ही लाइट कन्वर्ज हो जाती है. जो बायो वाले उनको पता है रेटिना पे हमारे पास सेंसरी नर्व्स होते हैं जो लाइट सेंस करते हैं. तो बिफोर रीचिंग द रेटिना द लाइट्स गेट कन्वर्ज. अब हमने सोचा कि भाई इस लाइट रे को रेटिना पे जाके कन्वर्ज करवाना है, कुछ ज्यादा जल्दी कन्वर्ज हो रही है. उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन ये आया. ये क्या हुआ? एक मिनट रुकिएगा, जरा सही करना पड़ता है वरना ये आगे बढ़ा जाता है. So that was our retina. तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं भाई एक ऐसा लेंस लगाओ कि जो लाइट थोड़ा सा डाइवर्ज होती हुई जाए. ऐसा लेंस लगा दो कि लाइट जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ज होती हुई जाए, ताकि हमारा जब लेंस उसे कन्वर्ट करना शुरू करे तो कन्वर्ज करते करते रेटिना अप्रोच हो जाए. तो यहाँ पे हम जो लेंस अटैच करते हैं वो एक डाइवर्जिंग लेंस होता है. वी अटैच अ डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग लेंस से क्या होता है भाई? डाइवर्जिंग लेंस से ये होता है जो लाइट रेज आ रही होती है वो इस लेंस से पास होके पहले थोड़ा डाइवर्ज होती है. अब क्योंकि डाइवर्ज होके आती है तो ये रेटिना पे कन्वर्ज होते, इनके कन्वर्जेंस होते होते ये रेटिना को अप्रोच कर जाते. मतलब आपने लाइट सीधी नहीं भेजी, जब आप सीधी भेज रहे थे तो वो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो रही थी. आपने थोड़ा सा उसे फैला के भेजा कि अब जब वो रेटिना यानी अब लेंस को क्रॉस करेंगी तो कन्वर्ज होते होते आपके पास रेटिना अप्रोच हो जाएगा और आपके पास इमेज करेक्ट बने. तो इसके करेक्शन का तरीका हमने यहाँ पे देख लिया. अ डाइवर्जिंग लेंस इज यूज्ड सो दैट लाइट रेज आर सेंट टू द आई in a diverging manner and the focus on the retina produce a clear image. ताकि आप आपको वैसे क्लियर इमेज बना सकते. इसमें कोई मसला शॉर्ट साइडेडनेस को पढ़ने में या समझने में कोई बात? फिर आगे बढ़ते हैं. लॉन्ग साइडेड में इसका बिल्कुल इनवर्स होता है. तो मैं लॉन्ग साइडेडनेस के हिसाब से समझा देता हूँ. यहाँ पे
इन लॉन्ग साइडेड मैच में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर बट नियर ऑब्जेक्ट्स आर ब्लर. ये अक्सर जो थोड़े एज में होते हैं ना लोग, उनकी होती है लॉन्ग साइडेडनेस, क्योंकि उनको अक्सर आपने देखा होगा रीड करने के लिए वो रीडिंग ग्लासेस पहनते हैं, तो भाई करीब की नज़र जो है उनकी खराब हुई हुई है तो वो रीडिंग ग्लासेस पहनते हैं ताकि वो करीब की चीज़ को प्रॉपरली देख सके. तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर बट नियर ऑब्जेक्ट्स आर ब्लर, ये आपके पास लॉन्ग साइडेडनेस का केस होता है. अच्छा, इसमें मसला ये होता है कि लाइट रेज आर कन्वर्जिंग इन अ वे कि दे आर कन्वर्जिंग बियॉन्ड द रेटिना. लाइट रेज अपीयर टू कन्वर्ज बियॉन्ड द रेटिना. तो यहाँ पे मसले ये आते हैं कि भाई अगर आप यहाँ पे लाइट रेज को देखो, सो द लाइट रेज कम अलॉन्ग लाइक दिस और कन्वर्ज होते होते रेटिना अप्रोच हो जाता है लेकिन कन्वर्जेंस नहीं आती. तो ये ऐसा था कि कहीं रेटिना के भी पीछे जाके कन्वर्ज होते, ये ऐसे कहीं जाके कन्वर्ज होती है लाइट रेज. तो ये एक लॉन्ग साइडेडनेस का मसला है. लाइट रेज कन्वर्ज एट लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस. तो ये पहचान याद रखी जा सकती है कि लॉन्ग साइडेडनेस लाइट रेज कन्वर्ज एट लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस. सर आप ये वाला वापसी से समझा देंगे? कौन सी बात? ये जो भी आपने लॉन्ग साइडेडनेस की है. आपका नाम बेटा? मोहम्मद मूसा सर. अच्छा बेटा, अपना नाम तो चेंज कर लेते, वेलफेयर एकेडमी के नाम से आए हुए हो. मैं भाई बोलूं, मेरी अम्मी का स्कूल के हुआ है, अम्मी इस पे क्लासे लेती थी ना, तो अभी मैं मोबाइल पे ले रहा हूँ, अभी लैपटॉप से कनेक्ट होने वाला हूँ. चलो चलो, मसला नहीं है, मुझे एक पहचान में नहीं आया ना मेरे ये. चलो खैर, लॉन्ग साइडेडनेस का सिनेरियो ये होता है बेटा कि जो लाइट रेज होती है ना, जब हमारी आई में एंटर होती है, हमारा लेंस इतना वीक हो चुका होता है कि वो लाइट रेस को कन्वर्ज नहीं कर पाता. और लाइट रेस जब रेटिना तक पहुंचती है तो वो एक जगह पे मीट नहीं कर पाती, तो ये तो एक फोकस्ड इमेज नहीं बन पा रही होती. हमें ऐसा लगता है कि लाइट रे को अभी और ट्रेवल करना था और वो रेटिना के भी पीछे कहीं जाके मिलती. तो इसीलिए हम कहते हैं कि लॉन्ग साइडेडनेस के केस में लाइट रेस लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस पे जाके कन्वर्ज होती है, मतलब दे हैव टू ट्रेवल लॉट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इन ऑर्डर टू गेट कन्वर्ज. अब हमें इस मसले को करेक्ट करना है कि भाई इस चीज का हल कैसे निकाला जाता. हमने बोला भाई अगर लेंस वीक हो गया है तो उसके सपोर्ट में एक दूसरा लेंस लगाओ, एक ऐसा लेंस लगाओ जो कि कन्वर्जेंस में हेल्प करे. तो हम जो लेंस यहाँ पे यूज करते हैं वो एक कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं. सही, हम एक कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल कर लेते हैं कि भाई एक कन्वर्जिंग लेंस लगा देते हैं, वो लाइट रेज को थोड़ा सा ऑलरेडी कन्वर्ज करके भेजेगा और उसके बाद ये होगा कि अब लेंस को थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा जितना वो पहले डाल रहा था और लाइट रेज को वो फोकस कर देगा रेटिना के ऊपर. इसकी मैं डायग्राम जरा रिवर्स बनाना चाहूंगा क्योंकि वैसे बड़ा मुश्किल बन जाती है इसकी डायग्राम ड्रॉ करना ना. ये भाई लाइट रेज आई थी स्ट्रेट, सही, लेंस से पास होने के बाद थोड़ी सी कन्वर्ज हुई और बाकी कन्वर्जेंस जो है वो आपके अपने ओरिजिनल लेंस ने जो आपकी आई में लगा हुआ था उसने कर दी और आपकी लाइट रेज रेटिना पे कन्वर्ज हो गई. तो इसकी करेक्टनेस के लिए आप बोलते हो कि अ कन्वर्जिंग लेंस is used so that light rays meet at the retina.
converging lens slightly converges the light rays before entering the eye. ये वाला सिलसिला ठीक है भाई, कोई मसला इसमें? पास पे के क्वेश्चंस कर लेते हैं हम जरा आज, ताकि ये लेंसेज बाइंड अप हो जाए. अच्छा भाई ये क्वेश्चन देख लेते हैं. ये क्वेश्चन कहता है अ बर्निंग कैंडल इज प्लेस्ड क्लोज टू अ थिन कन्वर्जिंग लेंस. द कैंडल एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट. अ वाइट वर्टिकल स्क्रीन इज मूव टू द पोजिशन ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस फ्रॉम द कैंडल. सही है, ये लेंस के ऑपोजिट साइड से एक वाइट स्क्रीन इसकी तरफ लाई गई है. दिस इज द स्क्रीन. एंड फिगर 6.1 इज अ फुल स्केल डायग्राम ऑन अ ग्राफ पेपर ऑफ द लेंस एंड द स्क्रीन. फुल स्केल डायग्राम का मतलब ये है कि आप इसके ऊपर स्केल रख के इसकी मेजरमेंट कर सकते हो. सही है, और जो आपका आंसर आएगा आपके स्केल से वही आंसर आपका एक्चुअल आंसर बन जाएगा. ये फुल स्केल डायग्राम के ऊपर, ये बस ये कोई अंदाजन से नहीं बनी हुई, ये एक्चुअल डायग्राम है. तो अब अगर हम यहां पे देखें, वो बोलता है द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 2.4 सेंटीमीटर, द स्क्रीन इज 7.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस. चलो स्क्रीन का फासला 7.2 सेंटीमीटर का, फोकल लेंथ 2.4 है. तो मेरे पास अभी तो स्केल नहीं है, लेकिन मैं एक छोटी सी काम करने की कोशिश करता हूँ, इस पर कुछ मार्किंग्स कर देता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए ना. ये मैंने यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर दी. दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7. तो ये 7.2 के ऊपर आपकी स्क्रीन यहाँ पे प्लेस हुई थी. शायद थोड़ा सा ये सही लग रहा हो. तो यहाँ पे हमने सारी मार्किंग कर दी स्केल के ऊपर कि भाई किस तरह से आप इसकी मेजरमेंट वगैरह करने का काम कर रहे हो. अच्छा, अब
उसने आपको बोला कि भाई फोकल लेंथ 2.4 सेंटीमीटर मार्क कर दीजिए. अब फोकल लेंथ अगर 2.4 सेंटीमीटर मुझे मार्क करनी है तो भाई ये वन मैं लार्ज कर देता हूँ, ये वन ये टू, तो 2.2 और 2.4 ये आ गया आपका 2.4, ये आ गया फोकल लेंथ एफ. और इसी तरह से ऑपोजिट साइड पे भी बना सकते हो फोकल लेंथ ना, अगर 2.4 के ऊपर है तो इसको ऑपोजिट से बना सकता हूँ. किस तरह से भाई, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये हो गया 2 2.2 2.4, ये इधर होगा सही. ये फोकल लेंथ मैंने दोनों साइड्स पे F के तौर पे शो कर दिया. अब वो मुझे बोलते हैं डिफाइन द टर्म फोकल लेंथ. फोकल लेंथ क्या होती है इसको डिफाइन कीजिए. तो आप क्या बोलोगे, इट इज द डिस्टेंस, shortest distance from the optical center to the principal focus. सही, ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का जो फासला होता है वो आपके पास फोकल लेंथ होती है. वो बोलते हैं फिगर 5.6.1 मार्क विद अ लेबल, मार्क ए लेबल विद लेटर एफ ईच ऑफ द टू फोकल पॉइंट्स. वो तो चलो मैंने मार्क कर दिया. अब वो बोलते हैं द पॉइंट वाई इज द टिप ऑफ द इमेज. पॉइंट वाई यहां पे दिखाया गया है, आई मीन लार्ज, ये पॉइंट वाई दिखाया गया है, दिस इज द टिप ऑफ द इमेज. ठीक है, वो बोलते हैं आपसे ऑन फिगर 6.1 ड्रॉ अ रे डायग्राम टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की लोकेशन आपने बनानी है. देखिए इस बार उन्होंने लेंस और फोकस आपको पता करके दे दिया और आपको टास्क दे दिया कि भाई आप इमेज बना के दिखाइए. सही, इमेज बनाने के लिए अब आप क्या करोगे, आप दो लाइट रेस का इस्तेमाल करोगे. सही है, आपको पता है एक लाइट रे तो वो है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई आएगी और यहाँ पे स्क्रीन पर आके हिट कर जाएगी और अनडिविएटेड जाएगी. तो मुझे पता है कि भाई मुझे ऑब्जेक्ट तो नहीं पता लेकिन मुझे इमेज का पता है ना, तो मैं इमेज से लेके ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई एक लाइट रे ड्रॉ कर सकता हूँ कि कोई ना कोई लाइट रे ऐसी आ रही होगी, इस एंगल के ऊपर आ रही होगी और आके उसने स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक किया होगा. दूसरी जिस लाइट रे के ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, भाई दूसरी ऐसी कौन सी लाइट रे जो इस तरह बिहेव कर रही है, तो दूसरी लाइट रे हमारे पास वो होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई होगी और फोकस से पास होके यहाँ हिट कर गई होगी. अब देखो मुझे ये नहीं पता कि वो पैरेलल कहां से आई होगी लेकिन मुझे ये पता है कि वो फोकस से पास होके यहाँ स्ट्राइक की गई होगी. तो मैं यहां से लेके फोकस से पास होती हुई लाइट रे बना सकता और मुझे पता चलेगा अच्छा ये लाइट रे यूं आई होगी. सही, कि जो लाइट रे है वो इस तरह से आई होगी. ये फ्लो चलाओगे और आके वो मिल गई और जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट का हेड इधर होगा बेटा. इधर होगा एक्स. ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें कि मैंने कैसे ड्रॉ किया, अगर है तो बेटा पूछ ले उसको. कोई मसला नहीं है, क्लियर हो गया. चलो अब वो बोलते हैं यूज फिगर 6.1 टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस. कैंडल का डिस्टेंस बताइए लेंस के सेंटर से. अच्छा अब देखिए भाई कैंडल कहीं यहां रखी हुई है. सही, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनलार्ज करके इसका डिस्टेंस मालूम करने की कोशिश कर सकता हूँ. सही, मैं कैसे मालूम करूंगा, मुझे कुछ बातें पता है, मैं उसको यूज कर लेता हूँ कि भाई ये जीरो, दिस वाज 1 सेंटीमीटर. सही, दिस वाज 2 सेंटीमीटर्स, 1 2 3 4
पांच पांच बॉक्सेस के बाद ना, दिस वाज 3 सेंटीमीटर्स, 1 2 3 4, ये है 4 सेंटीमीटर्स। तो ये जहां मौजूद है ये 3.2, 3.4, 3.6, 3.7 सेंटीमीटर्स। ये जो लोकेशन है 3.7 सेंटीमीटर्स। ठीक है भाई, क्लियर है? ये हम लिख सकते 3.7 सेंटीमीटर। अब इसी तरह कुछ सवाल एक दो और देख लेते हैं। ये अभी हमने बनाया था तो मैं इस पे, इस क्वेश्चन पे नहीं जा रहा, ये अभी भी कर चुके हैं। ये देख लेते हैं, एक क्वेश्चन कहता है बीम ऑफ पैरेलल लाइट स्ट्राइक्स अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2.8 सेंटीमीटर्स। बीम है पैरेलल लाइट की, स्ट्राइक करती है कन्वर्जिंग लेंस की तरफ जिसकी फोकल लेंथ 2.8 सेंटीमीटर। द विड्थ ऑफ द बीम बिफोर इट रीचेस द लेंस इज 1 सेंटीमीटर। बीम की विड्थ है, बीम को मैंने बताया था इट्स मेड अप ऑफ मोर देन वन रेज, सही, मल्टीपल रेज से मिलकर भरी होती है। तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि मेरे पास एक, ये ऐसा कर लेते हैं कि भाई ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये हमारे पास लेंस हो गया। तो अब यहां पे वो बोल रही है एक 1 सेंटीमीटर थिक बीम आ रही है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि भाई ये हमारे पास एक रे यहाँ पे और एक रे यहाँ पे, ये पूरी बीम आ रही है हमारे पास। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट बीम दैट वी हैव। बिफोर स्ट्राइकिंग द लेंस, अब कहा ये गया है कि भाई फोकल लेंथ 2.8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये यह कहीं फोकल लेंथ है 2.8 सेंटीमीटर। द विड्थ चेंजेस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, बिल्कुल चेंज होगी भाई विड्थ। क्यों चेंज होगी? क्योंकि जब लेंस के अंदर से आपके ये रेस ये पास होंगी, सही, लाइट रेस पास होंगी, तो क्या होगा कि आप जैसी लेंस से पास होगी तो लाइट फोकस होना शुरू हो जाएगी, सही। लाइट रेस कैसे गुजरेगी? लाइट रेस ऐसे गुजरेगी, और इसी तरह से ये द लाइट रेज गोना पास लाइक दिस। इफ लाइट रेज इस तरह से पास हो रही हो, सही, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी इमेज फॉर्मेशन को देखूं कि भाई ये इमेज यहाँ पे किस तरह, भैया लाइट रे की जो थिकनेस है, जो बीम की थिकनेस है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आप एक बात और कर सकते हो कि जैसे जैसे ये लाइट फोकस की तरफ जा रही है, बीम बहुत थिन होती जा रही है, बहुत कन्वर्जिंग होती चली जा रही है बीम ना, बीम एक जगह पे आके थोड़ा सा थिकनेस उसकी रिड्यूस हो रही है। लेकिन जैसे यहाँ से ये पूरा पोर्शन जो है, ये बीम थिन हुई और इसके आगे ये वापस थिक हो गई। तो अब वो हमसे क्या पूछते हैं, वो हमसे पूछते हैं भाई स्टेट द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस वेयर द विड्थ ऑफ द बीम इज लेस देन 1 सेंटीमीटर। अभी ये 1 सेंटीमीटर थिक बीम थी, ठीक है, तो यहां से लेके 0 से लेके फोकल लेंथ तक, और ये कह लो कि 2F तक, जो 2F पे आके वापस उतनी हो जाएगी ना,
जीरो से लेके बेटा 2F तक आपके पास जो बीम की थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर से कम रही होगी, मतलब जीरो के ऊपर और 2F पे पूरी पूरी 1 सेंटीमीटर हो चुकी होगी वापस से। लेकिन जीरो से आगे बढ़ो और 2F तक जाओ तो आपके पास जो बीम है उसकी थिकनेस जो है वो 1 सेंटीमीटर से रिड्यूस्ड होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे स्टेटर डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, तो आप फ्रॉम जीरो टू 2.8 का डबल कितना हो जाएगा भाई 6, 5.6, कोई भी वैल्यू कोट कर सकते हो। मतलब मैं एग्जांपल कोट कर दूं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर करेक्ट होगा, 5 सेंटीमीटर करेक्ट होगा, 3 सेंटीमीटर करेक्ट होगा, 1 सेंटीमीटर करेक्ट होगा, कोई सी भी लेंथ कोट कर दो। यहां से लेके लेंथ से लेके 2F तक मेरी बीम की थिकनेस जो है वो 1 सेंटीमीटर से कम होगी। और जैसे ही आपकी बीम 2F को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेगी, तो क्योंकि रेज डाइवर्ज हो रही है, सही है, तो अब आप देखो क्या हो रहा है कि भाई बीम की थिकनेस बढ़ती जा रही है। 2F से आगे निकलोगे बीम की थिकनेस 1 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ चुकी हो, पहले के मुकाबले में बीम ज्यादा थिक हो चुकी हो। तो यहाँ पे एनी वैल्यू अबव 5.6 सेंटीमीटर आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पर 6 सेंटीमीटर बोलोगे करेक्ट है, 7 सेंटीमीटर बोलो करेक्ट है, 5.9 सेंटीमीटर बोल दो करेक्ट है, ये सब ठीक है। ये मैं पता है कि भाई लाइट रे जब इसमें से पास होगी अब ये डाइवर्ज होना शुरू हो चुकी है। अब फोकस 2F से गुजरने के बाद इसकी थिकनेस और मजीद इंक्रीज हो चुकी है। फिर वो बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस टू अ फोकल ऑफ 2.8 सेंटीमीटर ऑन फिगर 6.1 ड्रॉ कम्प्लीटली। अच्छा, इस ड्रॉ इन कम्प्लीट फुल स्केल डायग्राम। अच्छा भाई, ये आपको सबसे पहले रेज का जो पाथ है वो कंप्लीट करना है। इस चीज में वैल्यूज कैसे निकालनी, देखो उसने मुझे फोकल लेंथ दे दी थी ना 2.8 सेंटीमीटर, तो मुझे पता था भाई जीरो से लेके एफ तक ये 2.8 सेंटीमीटर है और एफ से 2F तक 2.8 का डबल कर लेता हूँ तो 5.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 0 और ये 5.6 सेंटीमीटर, तो मुझे ये पता था कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी जो बीम है वो 1 सेंटीमीटर से थिन रही है। अब मैं 0 से 5.6 के दरमियान में कोई सी भी वैल्यू कोट कर दूँ, कोई भी रैंडम वैल्यू कोट कर, बट इट शुड बी मोर देन 0 एंड इट शुड बी लेस देन 5.6, मेरा आंसर करेक्ट होगा। हाँ, और 5.6 से ऊपर की अगर मैं कोई वैल्यू कोट करूंगा तो फिर दूसरे वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा, क्योंकि थिकनेस बीम की 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो चुकी है। तो वहां से आप कोई भी वैल्यू लिख दो, जैसे मैंने 3 एक रैंडम सी वैल्यू उठा के लिख दी जो 5.6 से ज्यादा थी, अब उसके अलावा भी कोई वैल्यू लिख सकते हो वो करेक्ट हो। सही है, उसमें कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये वैसे ही है डायग्राम, आप इसमें फोकस मार्क करेंगे और फोकस मार्क करने के बाद अपनी रे डायग्राम वगैरह बना के इसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं है, बिल्कुल बन जाएगी। अभी मैं इसके ऊपर वर्किंग इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमने इसी तरह की एक डायग्राम मुकम्मल की थी, और फिर उसमें से आप प्रॉपर्टीज में सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई कौन कौन सी टाइप की इमेजेस आपके पास प्रोड्यूस हो रही है। MCQs वगैरह भी करा देता हूँ इसके ताकि वैसे जहन में कॉन्सेप्ट्स पक्के हो जाए। जैसे एक छोटा सा सवाल है, a lens is used to produce a magnified image। अब आपसे पूछ रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन बताइए लेंस कितना कर रहा है। लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए आप क्या करोगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालोगे, हाइट ऑफ इमेज निकालोगे, रेशियो ले लोगे। अभी जो मुझे लग रहा है ये डबल से तो ज्यादा है, तकरीबन ये 3 times इमेज है, क्योंकि आप अगर ऑब्जेक्ट की हाइट को और इमेज की हाइट को कंपेयर करो, मैं एक काम ये कर लेता हूँ ना, ये एरो है
एक जैसे कितने आ जाएंगे आप, जैसे तीन तो आ जाएंगे आराम से तीन आएंगे इस जैसे। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में तीन गुना बढ़ गई, तो लीनियर मैग्निफिकेशन आपका 3 times हो चुका। आप कैलकुलेट करके निकालते हैं बाकायदा, मेरे पास अभी स्केल वगैरह ऐसा है नहीं कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर इसको स्केल रख के कैलकुलेट कर सकूँ, इसलिए मैंने जनरली कैलकुलेट कर लिया एक अंदाजन के। फिर 66 में बोलते हैं अ गर्ल इज लॉन्ग साइडेड, लॉन्ग साइडेड मीन्स ही कैन सी द लॉन्ग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, उसकी करीब की नजर खराब हुई, ही कैन नॉट शी कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट्स। बोलते हैं व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, शी सीज क्लोज ऑब्जेक्ट्स लेस क्लियरली say than a person with normal vision, हाँ बिल्कुल है। If she is long sighted, उसके लिए distant objects clear है और close objects जो है उसके लिए blur होंगे, तो एक normal person के मुकाबले में she cannot see close objects very clearly. Yes, A is the right answer. अब B, C, D भी पढ़ लेते हैं कि गलत क्या है B, C, D में। B में बोलते हैं she sees distant objects more clearly, ये तो गलत बात, ये गलत है, more clearly वाली बात नहीं है। Normal person और long sighted का जो distant वाला मामला है वो same होता है, ये नहीं है कि अगर बंदा लॉन्ग साइडेड हो गया तो वो दूर की चीज और अच्छे से देख पाएगा ये चीज नहीं होती। अगर वो लॉन्ग साइडेड हो गया इसका मतलब वो दूर की चीज तो वैसे ही देख पा रहा है जैसे एक आम आदमी देख सकता है, बस करीब की नजर खराब हो गई है। ये नहीं होता कि करीब की नजर खराब हुई है लेकिन दूर की नजर अच्छी हो गई है उसकी, तो ये इसलिए बी जो है वो गलत। द फॉल्ट इज करेक्टेड यूजिंग अ डाइवर्जिंग लेंस, नहीं, लॉन्ग साइडेड के लिए अगर आपको याद हो हम कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं क्योंकि लाइट रेज लॉन्ग डिस्टेंस पर कन्वर्ज हो रही होती है ना, तो उसको जल्दी कन्वर्ज करना चाहते थे, सो फॉर देम टू कन्वर्ज क्विकली यू नीड अ कन्वर्जिंग लेंस, पता है ये भी गलत लिखा। फिर बोलते हैं द इमेज ऑफ अ क्लोज ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ हर रेटिना, बिल्कुल नहीं, इट्स फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, सही, इट अपीयर्स टू बी फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, वो रेटिना पे आके लाइट टकरा तो रही होती है लेकिन कन्वर्ज नहीं हो पाती, मतलब ये वाला मामला था जैसे अभी आपके पास सामने बना हुआ नजर आ रहा है। The light was unable to get converged. It was a case of long-sightedness. हमने converging lens लगाया ताकि वो at least eye पे आके तो converge हो सके। इसमें देखो, an object is viewed through a converging lens. The diagram shows the path of two rays from the top of the object to an eye. अच्छा भाई, एक object से light निकल के लेंस के थ्रू इस तरह जा रही है, एक इस तरह से जा रही है आपके पास, और उन्होंने ये दिखाया कि जब ये दो लाइट रेज जो है ये वैसे तो डाइवर्ज हो रहे हैं लेकिन ये कहीं बैक पे जाके ये कन्वर्ज होंगे, तो इमेज बनेगी वो कहीं यहाँ बन रही है विद अपीयर टू कन्वर्ज। इट्स लार्जर, ठीक है, एंड इट्स अपराइट, यस गुड वर्क मोमेंट, it's larger and it's upright, shabash. ये बड़ा मजेदार सवाल है, इसको करने की कोशिश करो, चलो शाबाश।
ठीक है भाई, बी 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 ए डी, देख लेते हैं क्या आंसर बनता है। कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, यस एग्जैक्टली, इट्स बी। यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि लाइट रेज वर मूविंग लाइक दिस लेकिन वो बेंड हो गए अंदर। यहाँ पे भी द लाइट रेज मूविंग लाइक दिस लेकिन वो बेंड हो गई अंदर, तो यह दो जगह कन्वर्जिंग लगा हुआ है। लेकिन थ्री पोजिशन में द लाइट रेज मूविंग लाइक दिस लेकिन वो बाहर की तरफ बेंड हुई, तो मतलब देयर वाज अ डाइवर्जिंग लेंस ओवर हियर, इट वाज बी। हलवा है फिर ऐसे ही आता है, लीनियर मैग्निफिकेशन वगैरह वाले। हाँ ये देखो 30, अच्छा 30 तो मतलब वखर बना है, वैसे कर भी नहीं सकते, थोड़ी सी ड्रॉ करना पड़ता है। मैं बना देता हूँ यहाँ पे 30 के लिए। आपसे बोला गया कि बताइए ऑब्जेक्ट रखा गया है, इमेज कहाँ बनेगी। ये डाइवर्जिंग लेंस है, इसको ड्रॉ करने के लिए डाइवर्जिंग लेंस वाला जो मेथड है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, कि भाई एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और डाइवर्ज ऐसी होती है जैसे कि फोकस से गुजरती हुई आ रही है। ठीक, उसकी डाइवर्जेंस ऐसी होती है जैसे कि वो फोकस से गुजरती हुई आ रही है। एक लाइट रे तो आपकी इस तरह से जाती है, इसको ये डॉटेड बना दी मैंने, वैसे अंदाजा तो हो गया बनना का है लाइट रे को। और दूसरी लाइट रे वो होती है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है अनडिविएटेड, तो दूसरी लाइट रे ये आ गई। अब आप यहां से खुद ही देख के समझ सकते हो कि भाई लाइट रेज जो है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और इमेज कहाँ बनेगी। वाजे नजर आ रहा है कि हमारा जो आंसर है वो बी डिक्लेयर। ठीक है भाई, और क्या सही है, मेरा ख्याल से कर लोगे इंशाल्लाह, बाकी सवालात मसले नहीं होंगे आप लोगों को। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस वगैरह की बेटा आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आज यह है कि आपका लाइट का मामला मुकम्मल हुआ, बस एक चैप्टर रह गया अब आपका साउंड और थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, वो तो 20-25 मिनट का चैप्टर है, उसको ज्यादा चीजें लगेंगी। तो साउंड और इसको मुकम्मल करेंगे, विल टेक टू मोर क्लासेस टू कवर अप विद आवर साउंड सेक्शन, एंड देन इंशाल्लाह ताला वी मूव टुवर्ड्स थर्मल एंड देन जनरल। मेजर चंक इज डन, थोड़ा बहुत बाकी रह गया है, इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल हो जाएगा।